हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपको बताने वाले हैं, यदि आपका बड़ी मशीन का ये रिवर्स करने वाला लिफ्टर काम नहीं करता है तो इसको कैसे सही कर सकते हैं। लिफ्टर के साथ साथ चिमटा जुड़ा होता है जिसका होता है, तो चिमटे को भी इसके साथ निकालना होता है, तो उसके बारे में आज पूरा डिटेल में बात करेंगे, इसको कैसे सही करते हैं। यदि वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। करने से सबसे पहले आपको चक्का खोल लेना होता है, ये हमने व्हील खोल लिया ऑलरेडी। जब भी आप इसको खोलते हैं तो सबसे पहले आपको ये जो इसका सिक्का होता है चाल सेट, इसको आपको पूरा कम्प्लीटली टाइट कर लेना है ताकि ये मूव ना करे। ये मूव नहीं करेगा तभी आप इसको खोलेंगे, अदरवाइज ऐसे नहीं खोलना है। ऐसे खोलेंगे तो अंदर का पुर्जा टूट सकता है। खोलने के लिए सबसे पहले इस स्क्रू को खोलेंगे। उसके बाद देखिए इसके दोनों साइड में स्क्रू लगा होता है, इसको ढीला कर लेंगे। ये हमारा लिफ्टर देखिए इस प्रकार से निकल जाता है। उसके बाद हमें चिमटा का जो नीचे का पेच होता है, ये जो हमारा लिफ्टर होता है इसका जो रिवर्स फॉरवर्ड वाला बटन, ये जो पुर्जा रहता है वो हमारे इस चिमटे से जुड़ा होता है। तो चिमटा को निकालने के लिए, इसको खोलने के लिए सबसे पहले तो इसको खोल लेंगे। पहले चिमटे को निकाल लेते हैं इस प्रकार से। ये हमने इसका नीचे का पेच खोल लिया है, ये हमने अलग कर लिया है। यहाँ पे जो स्प्रिंग फंसा होता है चाल का, उसको भी हमने निकाल लिया है। अब बारी है इसको खोलने की। इसको खोलने से पहले यहाँ देख सकते हैं एक होल बना होता है, क्योंकि चाल में एक स्क्रू टाइट होता है, उसको हमें पहले ढीला करना होता है तभी ये हमारा यहाँ का नट जो है खुलेगा। तो चाल में ठीक सीधा सीधा नट नहीं मिलता है, तो आपको चाल को लूज़ करके देखिए इसका सेंटर मिला लेना है, और अंदर में साइड में देखिए एक नट लगा होता है। तो आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग के साथ देखिए नट लगा होता है जो ये वाला है, इसको हमें हल्का लूज़ कर लेना होता है इस प्रकार से। ये हमने इसको लूज़ कर लिया, उसके बाद ही ये जो हमारा साइड का नट है, ये जो स्क्रू है, इसको खोल पाएंगे, क्योंकि ये जो स्क्रू होता है यहाँ वाला वो डायरेक्टली इसके ऊपर से टाइट होता है पुर्जे के थ्रू से। इसको हमने लूज़ कर लिया अंदर से, अब इसको खोलेंगे। देखिए ये हमारा नट जो है ढीला हो चुका है, इस प्रकार से इसको पूरा खोल लेंगे। ये देखिए ये हमारा नट जो स्क्रू है निकल चुका है, और चिमटा देखिए इस प्रकार से नीचे की ओर इस प्रकार से आ जाता है। चिमटा जो है इस प्रकार से यहाँ पे लगा होता है, और जो हम स्क्रू इसमें खोले हैं ये वाला, आप देख सकते हैं ये जो स्क्रू होता है इस जगह में इस प्रकार से इसी में टाइट होता है, और इसी नट को हम पहले लूज़ कर लेते हैं ताकि ये इसको छोड़ दे और ये इजीली खुल पाए इस प्रकार से। इस मशीन का प्रॉब्लम क्या हो रहा है, रिवर्स जो हमारा काम नहीं कर रहा है। हम जब रिवर्स करते हैं तो हमारा रिवर्स काम नहीं कर रहा, फॉरवर्ड तो हो रहा है पर रिवर्स नहीं हो रहा हमारा। तो रिवर्स को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, देखिए जब फॉरवर्ड होता है तो ये हमारा पुर्जा ऐसे होता है, पर रिवर्स जब होता है तो ये ऐसे आता है। जब हम इसको दबाते हैं लिफ्टर को, ये हमारा लिफ्टर देखिए इस प्रकार से यहाँ सेट होता है, जब रिवर्स करते तो हम ऐसे दबाते हैं। इसका मतलब इसका जो चाल है, ये घड़ी वाला चाल है, हम आपको पूरा डेमो दे देते हैं। ये जो हमारा घड़ी वाला चाल है इस जगह पे होता है जीरो में बीचों बीच, जब आप इसको ढीला करते हैं तो आपका सिलाई बढ़ता है, स्प्रिंग इसको ऐसे कर देता है टेढ़ा कर देता है, तो हमारा चिमटा थोड़ा ज़्यादा खेलने लगता है। बट आप उसी में जब रिवर्स वाला ये लिफ्टर दबाते हैं इस प्रकार से, तो ये जो है इस प्रकार से होना चाहिए। यदि ये कम होगा ऐसे तो आपका रिवर्स कम चलेगा, तो इसीलिए जब आपको रिवर्स बढ़ाना होता है तो नीचे का हिस्सा तो आपका ऑलरेडी सही है, तो आपको ऊपर का हिस्सा इसको जो है फेस को थोड़ा आपको घिसना पड़ता है। यदि आपको रिवर्स कभी भी बढ़ाना है तो ये चाल का ये ऊपरी हिस्सा आप अगर घिस देते हैं तो आपका रिवर्स बढ़ जाता है। इसमें हम रिवर्स इसी प्रकार से बढ़ाएंगे। Thank you.
अब देखिए हमने रिवर्स के लिए क्या है, ये जो ऊपर का हिस्सा हमने इसको हल्का घिस दिया है। अब क्या है, जो हमारा फॉरवर्ड जितना हो रहा है उतना रिवर्स भी हमारा काम करेगा। अब इसको वापस इसको फिट करेंगे। और कभी भी चाल आपका जब भी खोलते हैं चिमटा, तो आप ये चीज़ देख ले कि ये आपका लूज ना बताए, ज़्यादा प्ले ना बताना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से आपका जो चाल है कम हो सकता है। सिलाई जितना स्पीड चलना चाहिए वो इतना स्पीड नहीं चलता है, तो ये सब आपको गौर करना है। ये देखिए इसका बिल्कुल सही है, ज़्यादा प्ले नहीं है और चिमटा भी एकदम परफेक्ट है, हल्का भी कटा नहीं है। ये भी घिस जाता है यदि चिमटा ज़्यादा तो भी प्रॉब्लम आता है, बट इसका नया मशीन है, ज़्यादा यूज़ किया हुआ नहीं है। देखिए ये चिमटा बिल्कुल सही है, इसका सरफेस में हल्का भी इसमें भी कटा नहीं है, घिसा हुआ नहीं है, तो ये सारा कुछ बाकी ठीक है। इसे रिवर्स का प्रॉब्लम था, इसको हमने घिस लिया, अब वापस इसको फिट करते हैं। फिट करने से पहले स्प्रिंग देखिए आपका अगर बैंड हो जाता है, इसको इस प्रकार से सही कर ले, सीधा कर ले इसको, इस प्रकार से अपने हिसाब से सही से मोड़ लें, ताकि आपको फंसाने वक्त सही से आपको मोड़ना ना पड़े उस वक्त। अभी देखिए ये हमारा बिल्कुल इस प्रकार से बन चुका है, अब इसकी फिटिंग करेंगे। चिमटा को देखिए अंदर लगाने के लिए सबसे पहले देखिए इस प्रकार से आपको रखना है, कि देखिए इस जगह पे हमारा स्क्रू टाइट होता है, तो इस प्रकार से आपको रख लेना, स्प्रिंग जो आपका नीचे की ओर इस प्रकार से रहेगा, और यहाँ पे आपको इस प्रकार से ले के जाना है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे चिमटा अंदर की ओर बैठ रहा है। चिमटा का जो टालकेम होता है फिट केम, उसी स्लॉट में आपको चिमटा को डाल लेना है इस प्रकार से, और यहाँ से जो नट लगाएंगे उस होल को सेंटर कर लेना आपको। यहाँ से नट टाइट करेंगे, उसको हमें सेंटर कर लेना है, जो भी टाइट करना है। तो ये हमने चिमटा देखिए डाल लिया है, इसके अंदर में फंसा लिया है फिटकेम के ऊपर, और इसके ठीक ऊपर साइड में देख सकते हैं इसके होल में जो है हमारा अंदर का जो नट है उसको हमने सेंटर कर लिया है। देखिए इस प्रकार से अब इसमें जो इसका स्क्रू है उसको हम फिट कर देंगे। ये हमारा नट को पूरा पेज को बढ़िया तरीके से हम इसको टाइट करेंगे, जिस तरह ये पहले टाइट था उसी प्रकार से इसको टाइट करेंगे, हल्का भी लूज नहीं होना चाहिए। ओके टाइट था, इसको ठोक के टाइट कर देंगे। ये हमारा टाइट हो चुका है, उसके बाद इसके अंदर वाले पेज को जो हमने लूज किया था खोलते वक्त उसको भी हम टाइट कर लेंगे। जो पेज को हमने स्टार्टिंग में लूज किया था देखिए उसको भी इस प्रकार से फुल टाइट कर लेंगे। ये हमारा टाइट हो चुका है, उसके बाद इस प्रकार से इसका जो लिफ्टर है इसको हम लगा लेंगे। पहले एक वाशर होता है, पहले वाशर को बैठा लेंगे,
उसके बाद ये इसका लिफ्टर है, इस प्रकार से रखेंगे और इसके ऊपर वाला जो पेच होता है यहाँ पे टाइट कर देंगे। इसको आप मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, अदरवाइज ज़्यादा टाइट करें तो ये आपका जो मूव करना बंद कर देगा। उसके बाद ये साइड के दोनों पेज को आपको पूरा ताकत से टाइट करना है। ये हमारा कंप्लीट सेट हो चुका है। अब नीचे का जो चिमटा का पेज होता है, हमने खोला था इसको, उसको वापस से इस प्रकार से लगा लेंगे यहाँ पे। ये चिमटा पेज है, इसको इसमें फिट कर लेंगे। तो ये हमारा फिलहाल कंप्लीट लग चुका है, बट ये आपका रिवर्स फॉरवर्ड जो है अपने आप ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए क्योंकि इसका स्प्रिंग देखिए यहाँ निकला हुआ है। तो इसका जो स्प्रिंग हम नीचे अंदर छोड़े हैं, उस स्प्रिंग को ला के यहाँ पर फंसा देंगे। इस स्प्रिंग को प्लास की मदद से इस प्रकार से खींचेंगे और इस जगह पर इस प्रकार से फंसा देंगे। देखिए ये जो हमारा स्प्रिंग है इसमें बिल्कुल बैठ जाना चाहिए। ये हमारा स्प्रिंग बिल्कुल बैठ चुका है। अब देखिए ये जो आपका नीचे ही रह जा रहा था लिफ्टर, ये बिल्कुल अपने आप ऊपर आ जाता है स्प्रिंग लग जाने के बाद। अब हम चला के चेक करेंगे कि जितना हमारा फॉरवर्ड चल रहा है उतना रिवर्स काम कर रहा है या नहीं। पहले क्या है कि फॉरवर्ड हो रहा था, बट इसको दबाने से रिवर्स नहीं हो रहा था हमारा। अच्छा, अब इसको चेक करेंगे इसके व्हील को लगा के। ये इसका व्हील लगा लेंगे। चेक करके बताते हैं कि ये हमारा रिवर्स काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी देखिए हमारा सीधा चाल में चल रहा है इस प्रकार से। अब इसको हम लिफ्टर को दबा रहे हैं, ये हमारा लिफ्टर है रिवर्स वाला, इसको दबाते हैं। देखिए हमारा कपड़ा रिवर्स आ रहा है, दोनों चीज़ हमारा काम कर रहा है प्रॉपर। पहले रिवर्स बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, अब ये हमारा रिवर्स काम कर रहा है।